गुड मॉर्निंग। चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम 12वीं क्लास का पढ़ेंगे ग्रह विज्ञान। ग्रह विज्ञान का इकाई 10 का वह पोर्शन जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य का, और 10 का आ भाग जो हमने पढ़ा था उसमें हमने किशोरावस्था पढ़ा था कि किशोरावस्था 12 से 17 वर्ष की उम्र तक, 21 वर्ष की उम्र तक मानी गई है। उसमें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का निदान किस तरह किया जाता है, और किशोरावस्था को बड़ी ही तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। विद्वान स्टेनले हॉल ने इसकी परिभाषा दी है। इसी में आगे हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य। तो युवा वर्तमान की आशा है, राष्ट्र और व्यक्ति के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यह दिया है परिभाषा W.R. Williams ने, और स्वामी विवेकानंद जी का स्वास्थ्य के विषय में यह कथन वास्तविक सत्य को प्रकट करता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अर्थात जब स्थूल शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मन स्वस्थ कैसे रहेगा। शरीर एवं मन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह तो सामान्य सी बात है बच्चों। जैसा विवेकानंद जी ने कहा है कि स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है तो हमारा मन भी उदास हो जाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, किसी भी काम को करने का मन नहीं करेगा और शांत और उदास मन हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। जब शरीर दुर्बल एवं अस्वस्थ होगा तब शरीर का मन भी दुर्बल और अस्वस्थ हो जाएगा। इसी तरह जब मन परेशान रहेगा तो शरीर भी दुर्बल और अस्वस्थ हो जाएगा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार दी है कि व्यक्ति का स्वस्थ होना अर्थात शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना है, न कि केवल बीमारियों से बचना है। क्या है स्वास्थ्य की परिभाषा? कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूपों में स्वस्थ होना ही अच्छे स्वास्थ्य को परिभाषित करता है, न केवल बीमारियों से बचना ही स्वास्थ्य रहना कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वस्थ होना अर्थात शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना है। अगर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों रूपों में स्वस्थ रहने पर ही व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ कहलाता है। जैसे ये चित्र के माध्यम से आप देखिए, ये एक सर्कल है और चित्र देखिए ये क्या है, स्वास्थ्य के प्रकार। तो इसको चार भागों में विभाजित किया है। पहला है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। यदि ये चारों शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, स्वास्थ्य अच्छा है तो वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ शब्द का वास्तविक अर्थ है अत्यधिक जीवन शक्ति। जिस व्यक्ति में यह शक्ति जितनी अधिक होगी उसका मस्तिष्क उतना ही पुष्ट होगा, विचारों की दृढ़ता होगी, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, वह नए कार्यों को उत्साहित रहते हुए करेगा, वह पूरी सफलता प्राप्त करेगा और कभी निराश नहीं होगा। अभी हमने स्वास्थ्य के प्रकार पढ़े हैं। पहला देखा था शारीरिक स्वास्थ्य। तो शरीर के समस्त अंग असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और यदि समस्त कोशिकाएं स्वस्थ होंगी तो शरीर के सभी अंग स्वस्थ और सशक्त बने रहकर अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर की कोशिकाओं में स्वास्थ्य को निम्नलिखित बातें प्रभावित करती हैं। सबसे पहला है संतुलित भोजन।
मात्रा में किया गया भोजन संतुलित भोजन, दूसरा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अभिशोषण है। फिर है नाड़ी संस्थान का उचित रूप से सक्रिय होना, फिर अंतरस्रावी ग्रंथियों का स्वस्थ होना, अवशिष्ट पदार्थों का समुचित विसर्जन, व्यायाम से के विषय में कहा गया यदि मनुष्य नियमित व्यायाम करता है तो वह अपनी उम्र को सिर्फ सोचो 10 साल पीछे चल रहा, वो इतना स्वस्थ हो जाता है, भले उसकी 50 साल उम्र है लेकिन वह कैसा दिखेगा प्रतीत होगा जैसे अपनी उम्र से वो 10 साल पीछे चल रहा। उचित समय पर उचित मात्रा में विज्ञान व निंद्रा सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को निम्नलिखित मुख्य लक्षण है, चमकीले बालों, नेत्र, आभा युक्त त्वचा, नमी युक्त और गुलाबी जीभ, नरम पेट, मस्तिष्क की एकाग्रता, शरीर का सही सुडोल मांसपेशियां और गहरी नींद, ये सब व्यक्ति के स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अब है मानसिक स्वास्थ्य। यदि यह कहा जाए कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य की धुरी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है और यह तनाव की स्थिति में जीने वाले व्यक्ति को भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती एवं वह शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ रहने लगता है। क्यों? क्योंकि यदि मन खराब है, मन अप्रसन्न है, खुश नहीं है तो क्या होता है, सबसे पहले तो व्यक्ति को नींद नहीं आती, टेंशन नाम सुना ना, उसे टेंशन होने लगता, तनाव होने लगता है और नींद नहीं आएगी तो भूख भी नहीं लगती। ये सब चीजें शरीर पर अपना विपरीत प्रभाव डालती हैं। फिर सामाजिक स्वास्थ्य। यदि व्यक्ति का शरीर एवं मन दोनों रूप से पूर्ण स्वस्थ होगा तो वह समाज के परिवेश में घुल मिल कर रहेगा। इसके विपरीत शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति चिड़चिड़े होंगे और समाज में हीन भावना से ग्रस्त, एकांगी रहना पसंद करेंगे एवं अपराधी भी बन सकते हैं। फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य। यहाँ आध्यात्मिकता से तात्पर्य पूजा पाठ धर्म रीति रिवाज से नहीं, वरन दया प्रेम सेवा त्याग सत्य और न्याय प्रियता से है। आधुनिक भौतिकता के युग में मनुष्य में उच्च आध्यात्मिक गुण होना आवश्यक है, तभी वह श्रेष्ठ जीवन जी सकता है। अब है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व। अभी देखा था स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व है संतुलित भोजन। हम देखते हैं सबसे पहले संतुलित भोजन। संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य के आहार में भोजन के निम्नलिखित तत्वों का समावेश होना आवश्यक है। कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज लवण, विटामिन, पानी और रेशेदार पदार्थ। आयु, लिंग और व्यवसाय, जलवायु के अनुसार संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए और भोजन से संबंधित निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाथ पैर धोकर स्वच्छ स्थान पर भोजन करना चाहिए, ईश्वर को नमन करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए, भोजन के प्रारंभ व एकदम बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी ग्रहण करना चाहिए ताकि पाचक रस एंजाइम सभी क्रियाएं पूर्ण रूप से कर पाए। तनाव रहित रहते हुए शांत चित्त से भोजन ग्रहण करना चाहिए। फास्ट फूड, वसा युक्त, अत्यधिक तला भुना, मसाले युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन में रेशेदार पदार्थ जैसे सलाद, छिलके वाली दालें, चोकर, हरी सब्जियां आदि को पर्याप्त मात्रा में समावेश करना चाहिए। फिर नियमित दिनचर्या। जीवन में नियमित जीवन की दिनचर्या नियमित होने पर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। पहले प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है और प्रतिदिन नियमितता में रुके हुए अवशिष्ट पदार्थ, आलस, अनिद्रा अपच का कारण बनता है। ईश्वरीय स्तुति करना, बाल्य ईश्वरीय उपास
उपासना की नियमित आदत डालना चाहिए। मात्र इसी आदत से ही बालक में सत्यवादिता, सच्चरित्र, त्याग, मृदुभाषी, सेवा, सहयोग, आत्मविश्वास के गुण विकसित किए जा सकते। निश्चित समय पर भोजन करना, भोजन सदैव एक निश्चित समय पर करने से उसका पाचन होता है। शयन की नियमितता निश्चित समय पर ही सोना चाहिए, अन्यथा अपूर्ण निद्रा भी अस्वस्थता कारण बनती है। अतः स्पष्ट है कि बाल्यावस्था से ही बालक में नियमित दिनचर्या की आदत डालना माँ का प्रथम कर्तव्य है। स्वास्थ्यवर्धक वातावरण के दो प्रकार हैं। पहला है भौतिक वातावरण से तात्पर्य रहने का स्थान हवा, धूप, प्रकाश युक्त हो ताकि रोग में कीटाणु न रहे। शुद्ध हवा में O2 ऑक्सीजन, धूप से विटामिन डी प्राप्त होने से बालक पूर्ण स्वस्थ हो सकता रह सकता है। फिर सामाजिक वातावरण, परिवार एवं समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम सहयोग भरे वातावरण में रहकर ही अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना की जा सकती है, अन्यथा कला, ईर्ष्या, द्वेष, पूर्ण वातावरण पूर्ण स्वस्थ रहना असंभव है, क्योंकि तनाव भरे वातावरण में ना तो भोजन का पूर्ण पाचन होगा और ना ही अच्छी नींद ले पाएंगे। फिर शारीरिक स्वच्छता, पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए समस्त शारीरिक अंगों की स्वच्छता व स्वस्थता आवश्यक है। शारीरिक स्वच्छता के अंतर्गत निम्नलिखित बातें ध्यान रखना चाहिए। बालों को सप्ताह में 2-3 बार धोना चाहिए एवं तेल लगाना चाहिए, इससे बालों में रूसी बाजुए नहीं होते। फिर नेत्र स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विटामिन ए युक्त आहार, गाजर, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दिन में 3-4 बार ठंडे पानी से नेत्र धोना चाहिए। धूप में सदैव रंगीन चश्मों का प्रयोग करने से मोतियाबिंद रोग से बचा जा सकता है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किताब रखकर पढ़ना चाहिए। बच्चों ध्यान से सुनिए, पढ़ते समय 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किताब रखकर पढ़ना चाहिए, जिससे आंखें स्वस्थ रहती हैं। कंप्यूटर, टेलीविजन देखते समय बीच-बीच में दृष्टि को स्क्रीन पर से हटाकर नेत्र गोलक दम दाएं बाएं घुमाना चाहिए और टेलीविजन से पर्याप्त 5-10 फीट की दूरी पर होना चाहिए। आंखों की स्वच्छता अर्थात पेट के समस्त अवयवों का स्वस्थ एवं पेट के समस्त अवयव स्वस्थ एवं क्रियाशील है तो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ रहेगा। आंखों की स्वच्छता का भोजन संबंधी आदतों से सीधा संबंध है। उचित निद्रा एवं विश्राम, उत्तम स्वास्थ्य का नींद व विश्राम से गहरा संबंध है। गहरी नींद के अभाव में स्वास्थ्य के अन्य नियमों का महत्व व प्रभावशीलता खत्म हो जाएगी। प्रायः निद्रा एवं विश्राम का एक ही अर्थ लिया जाता है, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। बच्चों यही समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और लिखेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है और अच्छे नंबर से आप पास होना है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और लिखेंगे, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य, प्रत्येक व्यक्ति को उसमें ध्यान देना चाहिए।